कंग्रेचुलेशंस, बेटा हुआ है। मैंने हमारे बेटे का नाम रोहित रखा है। फोर में इस बार विलेन की भूमिका कौन निभाएगा? क्रिश फोर को बाहुबली की तर्ज पर क्यों बनाया जा रहा है? क्रिश फोर और क्रिश फाइव की मेकिंग एक साथ क्यों की जा रही है? क्रिश फोर 2000 करोड़ी फिल्म क्यों मानी जा रही है? क्रिश फोर का क्लाइमेक्स कहां पर शूट करने की योजना बनाई जा रही है? क्रिश फोर और बाहुबली में क्या समानता है? क्रिश फाइव को कब रिलीज करने की योजना की गई है? क्रिश फोर और क्रिश फाइव को भारत की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म के रूप में क्यों देखा जा रहा है? क्रिश फोर किस हिंदू देवता पर आधारित होगी? राकेश रोशन और ऋतिक रोशन के बीच किस बात को लेकर मतभेद हो गया है? ऋतिक रोशन को इंडिया का सबसे बड़ा सुपर हीरो क्यों माना जाता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गरिमा सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इन दिनों आने वाली कई बड़ी फिल्मों को लेकर जबरदस्त चर्चा चल रही है। इन्हीं फिल्मों में से एक है ऋतिक रोशन की आने वाली फिल्म क्रिश फोर। राकेश रोशन आजकल तेजी से क्रिश फोर की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। हाल ही में खबर थी कि फिल्म में प्रियंका चोपड़ा और कैटरीना कैफ में से कोई एक या फिर दोनों ही फिल्म की लीड हीरोइन के तौर पर फाइनल हो सकती है। इसके बाद खुद राकेश रोशन ने क्रिश फोर की स्टार कास्ट को लेकर जबरदस्त खुलासा किया है। निर्माता और निर्देशक राकेश रोशन ने बताया कि क्रिश में प्रियंका चोपड़ा के साथ काम करना काफी मजेदार रहा। उन्होंने ये कंफर्म किया है कि प्रियंका क्रिश फोर में भी जरूर होंगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अभी मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि फिल्म में उनका रोल कितना लंबा होगा। राकेश रोशन ने पहले ही प्रियंका को याद करते हुए बताया कि जब वो प्रियंका के साथ क्रिश में काम कर रहे थे तब उन्हें नहीं लगा था कि वो इंटरनेशनल स्टार बन जाएंगी, लेकिन उन्हें ये जरूर लगा था कि बॉलीवुड की नंबर वन हीरोइन हमेशा रहेंगी। बता दें कि हाल ही में खबर आई थी कि राकेश रोशन या तो क्रिश फोर को दो पार्ट में बनाने की सोच रहे हैं या फिर वो एक साथ दो स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं, जिनमें से एक होगी क्रिश फोर और दूसरी होगी क्रिश फाइव। माना जा रहा है कि दोनों फिल्मों की शूटिंग साथ ही साथ होगी और इसे एक साल के अंतर में ही रिलीज किया जाएगा। दोस्तों, बताया जा रहा है कि ये फिल्म अब तक की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म होगी। तो चलिए इसी बात पर जानते हैं क्रिश फोर से जुड़ी कुछ बेहद दिलचस्प बातें। दोस्तों, सबसे पहला सवाल है कि आइडिया कैसे आया। सूत्रों की माने तो राकेश रोशन को क्रिश फोर का आइडिया तब आया जब उन्हें उनकी पत्नी ने भगवान गणेश की एक तस्वीर दिखाई जहां भगवान गणेश ने क्रिश वाली मास्क पहनी थी। दोस्तों, वहीं इस बार एक्शन और भी धमाकेदार होने वाले हैं। जी हां, फिल्म में एक्शन सीन्स कोरियोग्राफ करने के लिए हॉलीवुड एक्शन डायरेक्टर्स को लाया जाएगा। एक्शन के मामले में फिल्म अलग स्तर पर जाएगी, ऐसा निर्माताओं का मानना है। दोस्तों, वहीं सुपरहिट फ्रेंचाइजी क्रिश क्रिश 3, दोनों ही फिल्में सुपरहिट रही हैं और कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया है, लिहाजा क्रिश 4 को और भी बड़े स्तर पर तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, वहीं राकेश रोशन ने कहा था कि उनकी फिल्म में बॉलीवुड की ए लिस्ट हीरोइन होगी और हीरोइन का किरदार काफी दमदार होगा। हालांकि निर्देशक ने अभी नाम बाहर नहीं किया है। बता दें, ऋतिक फिल्म में न्यू कमर को चाहते हैं। हालांकि इस फिल्म में प्रियंका का नाम फाइनल हो चुका है। दोस्तों, क्रिश फ्रेंचाइजी के निर्देशक राकेश रोशन का मानना है कि फिलहाल भारत में लोग फीमेल सुपर हीरो की फिल्म नहीं देखेंगे और इसी कारण से वो क्रिश 4 को हीरोइन केंद्रित फिल्म नहीं बना सकते क्योंकि फैंस को वो पसंद नहीं आएगी। दोस्तों, वहीं इस बार विलन भी दमदार होने वाला है। जी हाँ, सूत्रों की माने तो फिल्म के विलन का जैसा किरदार लिखा गया है उसमें नवाज परफेक्ट बैठते हैं। राकेश रोशन और फिल्म की बाकी टीम चाहती है कि विलन का किरदार कोई दमदार एक्टर ही निभाए और ऐसे में सभी की उम्मीदें नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर आकर टिकी है। दोस्तों, वहीं बात आई डबल धमाका। जी हाँ, हाल ही में खबर आई थी कि राकेश रोशन या तो क्रिश 4 को दो पार्ट में बनाने की सोच रहे हैं या फिर वो एक साथ दो स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं, जिनमें से एक होगी क्रिश 4 और दूसरी होगी क्रिश 5। माना जा रहा है कि दोनों फिल्मों की शूटिंग साथ ही साथ होगी। दोस्तों, वहीं दो दो एक्ट्रेस का भी नाम सामने आ रहा है। जी हाँ, इस फिल्म में दो एक्ट्रेस का नाम एक साथ नजर आ रहा था। क्रिश 4 में दो एक्ट्रेसेस स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी। माना जा रहा है कि प्रियंका के अलावा इस फिल्म में कैटरीना भी नजर आ सकती हैं।
हालांकि अभी इसे लेकर कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। दोस्तों वही सबसे बड़ी एक्शन फिल्म बनने वाली है। जी हाँ, फिल्म क्रिश सबसे ज्यादा कमाने वाली एक्शन फिल्मों में शामिल है और क्रिश 4 और क्रिश 5 भी ऐसा ही करेगी। माना ये भी जा रहा है कि बड़े बजट पर तैयार की जा रही ये फिल्म अब तक की सबसे तगड़ी एक्शन फिल्म होने वाली है। दोस्तों वहीं अगर विलन की बात करें तो पिछली बार क्रिश के विलन थे विवेक ओबेरॉय, लेकिन इस बार क्रिश की स्टार कास्ट अभी से धमाके कर रही है और माना जा रहा है कि क्रिश 4 के विलन के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी को अप्रोच किया गया है और उन्होंने हाँ भी कर दी है। दोस्तों गौरतलब है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी इससे पहले भी सलमान खान को किक और बजरंगी भाईजान में खा चुके हैं। दोस्तों क्रिश 3 2013 की बॉलीवुड की सुपर हीरो कृष्णा की विज्ञान कल्पना फिल्म है। फिल्म के निर्माता निर्देशक राकेश रोशन है। फिल्म कोई मिल गया 2003 के नायक रोहित और क्रिश 2006 के सुपर नायक कृष्णा की कहानी को आगे बढ़ाती है। इसकी दोनों पूर्व फिल्मों ने अच्छी सफलता प्राप्त की थी। फिल्म को पहले 3D प्रारूप में जारी करना तय किया था, हालांकि समय की कमी के कारण इसे 3D में रूपांतरित किए बिना राकेश रोशन ने बाद में पुष्टि की कि फिल्म को केवल 2D में ही जारी किया जाएगा। फिल्म विश्व भर में 1 नवंबर 2013 को जारी की गई। क्रिश 3 को समालोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली हैं। फिल्म में ऋतिक रोशन ने ट्रिपल रोल अदा किया था और फिल्म ने 240 करोड़ 50 लाख का कारोबार किया था। पिछली फिल्म में आपने देखा सिद्धांत आर्य को हराकर क्रिश अपने पापा रोहित मेहरा को उसकी कैद से छुड़ाकर घर ले जाता है। इस फिल्म की कहानी यहीं से शुरू होती है। क्रिश यानी क्रिश मेहरा अब अपनी दुनिया में लौट आया है, जहां वो अपनी खूबसूरत पत्नी प्रिया मेहरा के साथ बहुत खुश है। रोहित भी अब अपने बेटे बहू के साथ रहकर अपने प्रयोग जारी रखे हुए है। प्रिया एक न्यूज चैनल में एंकर है और कृष्णा किसी नौकरी पर टिक ही नहीं पाता। क्रिश हर उस जगह मौजूद हो जाता है जहां किसी मुसीबत में फंसे इंसान को उसकी जरूरत है, भले ही इसके लिए उसे नौकरी से ही गायब क्यों ना होना पड़े। और यही वजह है कि हर नौकरी पर वो चंद दिन ही टिक पाता है। प्रिया को क्रिश की असलियत मालूम है, यही वजह है कि उसके हर कदम पर उसका साथ देती है। दूसरी ओर काल दुनिया से इंसानों को खत्म करने की नापाक साजिश रच रहा है। काल ने अपने DNA और जानवरों के DNA से ऐसे अमानव बनाए हैं जो उसकी तरह सोचते हैं और उसके इशारों पर चलते हैं। इन्हीं में काया यानी कंगना रनावत भी शामिल है, जो काल से मिली शक्तियों के चलते पल भर में अपना रूप बदल सकती है। काल दुनिया को तबाह करने के लिए एक ऐसा वायरस तैयार करता है जो इंसानों को मिटाने के मकसद से तैयार करवाया गया है। काल के बनाए अमानव इस वायरस को मुंबई में फैलाते हैं, जहां रोहित मेहरा और क्रिश इस वायरस की तोड़ खोजने में कामयाब होते हैं। काल के इशारे पर काम करने वाली काया और उसके बनाए अमानव रोहित मेहरा और क्रिश को मारने मुंबई पहुंच जाते हैं। दोस्तों खबरें थी कि इस फ्रेंचाइजी का अगला भाग क्रिश 4 जल्द ही बनने वाला है, लेकिन अब खबर है कि पिता बेटे की जोड़ी में कुछ क्रिएटिव को लेकर मतभेद है, इसलिए ये भाग बनने में देरी हो रही है। दोस्तों सूत्र के मुताबिक ऋतिक अपने पिता की सलाह नहीं ले रहे हैं। ऋतिक के कुछ अलग विचार हैं कि कैसे स्क्रिप्ट होनी चाहिए और किस तरह की कास्ट इसमें काम करनी चाहिए। ऋतिक एक अच्छे अभिनेता के रूप में सामने आए हैं और आज के सिनेमा को वो बेहतर समझते हैं। वे अपने निर्देशक पिता से चाहते हैं कि वो इस बार कुछ समझदारी वाली फिल्म बनाएं, जिसे देखकर दर्शक समझ पाएं। साथ ही कास्टिंग को लेकर भी उनके बीच काफी मतभेद चल रहा है। दोस्तों क्रिश 4 को बाहुबली की तर्ज पर इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि जब से बाहुबली रिलीज हुई है, हर फिल्म निर्माता बाहुबली को एक आइकन के रूप में देखते आ रहे हैं और इसीलिए हर फिल्म मेकर चाहता है कि उसकी फिल्म बाहुबली की तरह भव्य हो। इसीलिए राकेश रोशन बाहुबली वाला फॉर्मूला अपना रहे हैं। वो क्रिश 4 और क्रिश 5 दोनों को एक साथ शूट करेंगे, लेकिन क्रिश 4 को वो पहले रिलीज करेंगे। बाहुबली जैसा भव्य सेट क्रिश 4 और क्रिश 5 के लिए बनाया जाएगा। जैसा कि हमारे इंडियन मैथोलॉजी में हमारे बजरंग बली यानी कि हनुमान जी पहले सुपर हीरो हैं। हनुमान के कैरेक्टर को ही केंद्र में रखकर आज तक सुपर हीरो की कल्पना की गई है, परंतु इस बार लॉर्ड गणेशा के सुपर नेचुरल पावर का एडप्टेशन क्रिश 4 और क्रिश 5 में किया जाएगा, ऐसा गुप्त सूत्रों का मानना है। परंतु अभी तक फिल्म मेकर्स ने इस फिल्म की स्टोरी को रिवील नहीं किया है।
लेकिन माना जा रहा है कि ये फिल्म भारत की सबसे बड़ी सुपरहीरो वाली फिल्म बनने जा रही है। ये वही फिल्म है जिसने फिल्म इंडस्ट्री को हॉलीवुड लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया। ऋतिक रोशन एक ऐसे एक्टर हैं जो सिर्फ अभिनय के लिए ही नहीं बल्कि डांस के साथ साथ सुपर क्यूट स्टाइलिश हीरो के रूप में जाने जाते हैं। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो कहा जा रहा है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 2000 करोड़ का बिजनेस कर लेगी। और अब बॉलीवुड की गरिमा भी हॉलीवुड के सुपर नेचुरल फिल्मों जैसी हो गई है, इसीलिए क्रिश 4 और क्रिश 5 को लेकर कोहराम मचा हुआ है। और दोस्तों, मुझे भी क्रिश 4 और क्रिश 5 का बेहद इंतजार है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि आपको किसी भी फिल्म से जुड़ी कोई भी जानकारी अगर चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, आपको उसकी जानकारी ज़रूर दी जाएगी। लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और जुड़े रहिए हमारे चैनल बोलीग्राद स्टूडियोज़ के साथ।